हेलो एवरीवन, एही वर्षर ओडिशा रहिथिबा विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट एवं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज गुड़ी करे बीएससी नर्सिंग कोर्स रे एडमिशन करिया पई जुलाई 20 तारीख दिन एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होइतिला। आउ एंट्रेंस एग्जाम हेबार 15 दिन होइगलानी, किंतु एहार रिजल्ट पई कोनोसी वर्तमान सुधा अपडेट आसी नाही। तमे जे देखिबो पूर्व वर्ष अगस्ट 31 तारीख रे एंट्रेंस एग्जाम टी कंडक्ट होइतिला, आउ एहार ठीक 15 दिन परे रिजल्ट टी डिक्लेअर होइतिला, माने सेप्टेम्बर 15 तारीख दिन यार रिजल्ट डिक्लेयर होता। सो आज में जदि कैलकुलेट करके देखा आज को ही ठीक 15 दिन आमर एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट को आमर पुरुची। सो से बहुत पिला मानकर एबे गोटिए क्वेश्चन कि रिजल्ट केबे बाहर, कहीं तुम जो देख अन्य जेकोसी तुम एंट्रेंस एग्जाम देख एमएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है, पीपी डिप्लोमा नर्सिंग है, समस्त नर्सिंग कोर्स एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होकर मेरिट लिस्ट आसी सारे, कि बीएससी नर्सिंग वर्तमान सुधा रिजल्ट बाहर रिजल्ट बाहर पर ही यार मेरिट लिस्ट बाहर। तो समस्त अपेक्षा करते रिजल्ट केबे बाहर, तो रिजल्ट केबे बाहर से विषय आम आज भिडियो डिस्कसन करने जाऊे कौन अपडेट रही से विषय आम ये कथापी जाऊे। सो जो सब पाने वर्ष विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट एवं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज गुड़िक बीएससी नर्सिंग करने चाहू, तुम तो जान मिनिमम आमर जनरल कैटेगरी पिलांकर 50 मार्क दरकार, एससी एसटी कैटेगरी पिलांकर 45 मार्क दरकार। सो एतिक मार्क रहिले ही से माने जाए कि जेकोनसी कॉलेज रे गोटे एडमिशन करिपारिबे, किंतु एंट्रेंस एग्जाम रो मार्क बेसिस रे ही केवल सिलेक्शन हबो। अन्य जदि तुम क्वालिफाई करू न एंट्रेंस एग्जाम ताले कोनोसी कॉलेज रे एई वर्ष एडमिशन करि परिनु, से प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो कोनोसी जगह तुम एडमिशन करि परिबो नाही। जदि तुम सेथरे एडमिशन करिया पई चाहू जो ताले आमर कि रिजल्ट बाहरिबा परे तुरंत मते कांटेक्ट करिवो, मु तुमको डायरेक्ट जो कॉलेज कहबी से कॉलेज रे भी तुम करि परिबो, किंतु क्राइटेरिया रहिबो मिनिमम 50% मार्क बा 45% जहाँ कैटेगोरी वाइज रोचे से तुमको रखा पड़ो। सो रिजल्ट केबे बाहर, देख रिजल्ट डिले होबार कारण होची तुम्हें देख वर्तमान कौन चलची ना, वर्तमान जो सब पिला माने ओबीसी कैटेगोरी को बिलोंग्स करचोंदी से माने कौन करचोंदी ना, ओबीसी पिला माने कौन करिवे ना, वर्तमान निजर ओबीसी सर्टिफिकेट को निजर लॉगिन सेक्शन रे लॉगिन करके अपलोड करिवाक पड़ो, जोटा कि आमर के तारीख पर्यटन चलो अगस्त 7 तारीख संध्या 5:30 पर्यटन चलो। तो जेहेतु वर्तमान कैटेगोरी चेंज प्रोसेस चली, जो मानकर ओबीसी पिला से माने जनरल रे पकईले से माने ओबीसी रे कन्वर्ट करचोंदी, से प्रोसेस गुड़ा वर्तमान चलीजे, आ से प्रोसेसटा ठीक आम अगस्त 7 तारीख दिन सर माने काली एटा सरिया को जाउचे, ए प्रोसेस सरला परे ही आमर रिजल्ट बाहरी जीवो। रिजल्ट बाहरी बारे जमा भी लेट हबनी, तमरो 8 तारीख मते जा लागुचे 8 तारीख ही तमरो रिजल्ट बाहरी जीवो। सो तमे एक्सपेक्ट करकि धर कि 8 तारीख तमरो रिजल्ट बाहरी जीवो, 7 तारीख तो बाहरी बनी 8 तारीख तमरो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही बाहरी जीवो। सो सेथि भाई तुमको 8 तारीख पर्यंत वेट करिवार अछि, वर्तमान तो रिजल्ट बाहरी बनी जेतु वर्तमान कैटेगरी चेंज प्रोसेस चली, बहुत शीघ्र रिजल्ट बाहरी जीवो। रिजल्ट बाहरला परे मेरिट लिस्ट मध्ये बाहरी जीवो, मेरिट लिस्ट बाहरला परे तमे विभिन्न प्रकार कॉलेज गुड़िक एडमिशन करिया पई एलिजिबल हो जीवो। सेथिपाई चैनल को सब्सक्राइब करके ता पाखे थिया ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन निश्चय क्लिक करके रखि था, जहाँ फिर जितेबाला जहाँ भी किसी एडमिशन रिगार्डिंग तुम प्रथम अपडेट आम चैनल थ्रु रे आसीबो, तार समस्त प्रकार अपडेट तुम आम चैनल थ्रु रु पाइव। एडमिशन ठारु आमर जहाँ भी काउंसलिंग तुम पार्टिसिपेट कर, काउंसलिंग ठारु एडमिशन करके फाइनाल एडमिशन पर्यंत समस्त प्रकार अपडेट तुम आम चैनल माध्यम से पाइव। से चैनल को सब्सक्राइब करके ता पाखे थिया ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके रखि था, जहाँ फिर जितेबाला जहाँ भी किसी अपडेट आसीबो तार नोटिफिकेशन पाइबा सहित सबकि क्लीअर कट तुम आम चैनल थ्रु रु पाइबा को मिल जीवो तुमको।